इजी कुकिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं दिल्ली की बहुत ही फेमस और चटपटी मटरा की चाट और कुलचे, जो हर किसी को बहुत ही पसंद आते हैं। आई होप आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को। इसके लिए मैंने ली है कुलचे बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप मैदा इस मेजरमेंट कप से, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच नमक, 2 चम्मच खट्टा दही, 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें मैदा में अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो बीच में थोड़ा सा होल बनाइए, और उसमें ये इनो का पाउच हम डाल देंगे। एक इनो का पाउच मैंने 1 कप मैदा में यूज़ किया है। थोड़ा सा पानी डाल के उसमें बबल्स आने लगे तब मैदा को इसमें मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमने मैदा को एक सॉफ्ट डो बना लेना है। ये देखिए एक हमारा सॉफ्ट डो बन के तैयार हो चुका है। थोड़ा सा हम ऑयल और लेंगे और इसको दोबारा हम थोड़ा और मलेंगे, और इसमें अच्छी तरीके से फर्मेंटेशन हो जाए इसके लिए हम इसको 5-6 बार पटकेंगे, जिससे कि ये मैदा अच्छे से फूल जाएगी। और चलिए अब हम इसको 1/2 घंटे के लिए ढककर रख देते हैं। तब तक हम अपने मटरा की चाट बना लेते हैं। ये मटरा मैंने रात को भिगो दिए थे, और 1 कटोरी मटरा में मैंने 2 कप पानी डालकर इन्हें उबाल लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ बारीक कटी प्याज, बारीक कटा टमाटर, 1 उबला आलू जिसे मैंने बारीक काट लिया है, बारीक कटा अदरक, बारीक कटी हरी मिर्च, हरा धनिया ढेर सारा, 1 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच भुना जीरा, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, और 1/2 छोटी कटोरी इमली का पल्प, 1 नींबू का रस मैंने इसमें डाला है, और ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरे धनिया की चटनी, जिसे मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च, 5-6 हरी मिर्च मैंने इसमें डाली थी, अदरक और खटाई ये डाल के पीस लिया था। साथ ही मैंने इसमें अब ऐड किया है हींग। हींग क्योंकि हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है, तो मटरा की चाट में ये बहुत यूज़फुल रहता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो सारी चीज़ों को हम अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और बाकी मसाले आप अगर कम तीखी खाते हैं तो मसाले की क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं, लेकिन चाट तो फिर चाट की तरह ही है, तो इसे चटपटी बनाएं। और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है, और आप देख सकते हैं इसकी जो शक्ल है बिल्कुल जैसे मटरा की चाट मार्केट में मिलती है उसी की जैसी है। तो चलिए अब इसको हम अपने दोने में तैयार कर लेते हैं। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा भुना जीरा। साथ ही मैं इसे गार्निश कर रही हूँ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और नींबू से। थोड़ा सा हरा धनिया तो ज़रूर बनता है। और ये लीजिए हमारी बहुत ही टेस्टी चटपटी चाट बनकर तैयार है। और चलिए अब हम अपने डो को भी देख लेते हैं, ये भी रेडी हो चुका है। इसको थोड़ा सा हम और मल लेंगे। थोड़ा सा ऑयल फिर से मैं अपनी हथेली पे लगा रही हूँ, और अब हम इसको 2 पेड़े बना लेंगे। इसको रोल करते हुए फिर हम छोटे छोटे पेड़े तैयार कर लेंगे। कुलचे आप मोटे पतले जैसे भी बनाना चाहें उसके अकॉर्डिंग आप लोइयां तोड़ सकते हैं। मैं थोड़े पतले पतले ही बना रही हूँ क्योंकि मैं स्ट्रीट स्टाइल में बना रही हूँ, तो जैसे वहाँ पर पतले पतले कुलचे मिलते हैं उसी तरीके से मैं बना रही हूँ। अब इनको फिर से हम लोइयों को एक सार कर लेंगे इस तरीके से। सारी लोइयां हमने इसी तरीके से एक सार कर लेनी है कि उसमें कोई भी क्रैक ना रहे।
और ये देखिए हमारी सारी लोइयाँ बनके तैयार है। इन्हें भी हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। 10 मिनट के बाद अब हम इन्हें फिर से ऑयल लगाकर बेल लेंगे। आप इन्हें जिस शेप में भी बेलना चाहें बेल सकते हैं। मैं इन्हें थोड़ा सा ओवल शेप में बना रही हूँ और आप देख सकते हैं कि मैंने इन्हें कितना पतला रखा है। इसी तरीके से हम दूसरा कुलचा भी तैयार कर लेंगे। आज ये चाट जब आप बना के देखेंगे ना तो सबको लगेगा ही नहीं कि ये घर की बनी हुई है, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल इसका आपको टेस्ट आने वाला है। और ये तवा मैंने उल्टा रखा है, वो इसलिए क्योंकि हमें इसे डायरेक्ट हीट में नहीं पकाना और हमें इन्हें 50% तक ही पकाना है। आपने देखा होगा स्ट्रीट स्टाइल जो होते हैं वो आधे कुलचे पके हुए होते हैं, तो इसे भी हमने 50% तक ही पकाना है। और ये जब हल्के सिक जाए तब हम इन्हें उतार लेंगे। ये देखिए गैस की फ्लेम हमने हल्की रखी हुई है और दूसरा कुलचा भी हम इसी तरीके से सेक लेंगे। ये ध्यान रखिए कि हमें इन्हें 50% तक ही सेकना है। और ये देखिए ये भी हमारा कुलचा सिक के तैयार हो गया। सारे कुलचे हम इसी तरीके से सेक लेंगे। ये देखिए मैंने सारे कुलचे बना लिए और आप देख सकते हैं ये कितने सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें सेक लेते हैं। तवा मैंने सीधा रख दिया और उसके ऊपर मैंने बटर डाला है, थोड़ा सा मैंने उसके ऊपर कटा हरा धनिया डाल दिया है और अब हम इन्हें पूरा अच्छे तरीके से सेक लेंगे। अच्छे से दबाकर अब हम इन्हें सेक लेंगे ताकि ये बढ़िया से सिक कर तैयार हो जाए। और ये देखिए कितने बढ़िया बिल्कुल बाजार के जैसे हमारे कुलचे बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए अब हम अपनी प्लेटिंग कर लेते हैं। और ये देखिए हमारी प्लेट बिल्कुल तैयार है, बहुत ही बढ़िया हमारे मटरा की चाट और कुलचे रेडी हुए हैं। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।